इसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जब तक चेतना बचपन की रहती है तब तक प्रेय अच्छा लगता है, श्रेय अच्छा नहीं लगता। एक कारण तो है अज्ञान, बचपन। बचपन एक अवस्था का बचपन होता है और एक अज्ञान का बचपन होता है, ज्ञान का भी बचपन होता है। जिसका ज्ञान बहुत छोटा है वह बचपन है, चाहे 90 वर्ष का 100 वर्ष का हो गया तो भी वह बच्चा है, ज्ञान का विकास नहीं हुआ। 10वें कालिक सूत्र में ठीक कहा गया कि अन्नानि किं काहि किं वा नाहिषि श्रेय पावगम। अज्ञानी क्या करेगा, वह नहीं जानता कि श्रेय क्या है और पाप क्या है, वह क्या करेगा जो जानता ही नहीं है। पहली बात है हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रेय क्या है, श्रेय क्या है। पदार्थ के प्रति जो एक मोह है वह है प्रेय, प्रियता। बस प्रियता है। हम प्रियता की बात करें तो बहुत सारे हमारे कार्य, एक सामाजिक प्राणी के कार्य प्रियता के आधार पर चलते हैं, बस श्रेय की बात नहीं सोचता, प्रियता। धन प्रिय है, पदार्थ प्रिय है, वस्तुएं प्रिय है, प्रिय है, इस आधार पर बहुत सारा व्यवहार चलता है। लड़की की शादी हो रही थी, बारात आई हुई थी, शादी हो गई, दहेज भी दे दिया, जाने की तैयारी थी, तो कन्या का पिता बोला कि बड़ी कठिनाई है, लड़की भी देनी होती है और साथ में दहेज भी देना होता है, हमारे सामने कितनी कठिनाई है, दोनों को देना होता है। तब वह वर का पिता बोला कि सेठ साहब कोई बात नहीं, इतनी कठिनाई क्यों करते हैं, दहेज दे दीजिए, लड़की को आप अपने पास रख लीजिए, समस्या का समाधान है। धन प्रिय है, एक नंबर में प्रिय है धन, तो धन दे दो, लड़की को कोई चिंता की बात नहीं, अपने पास रखो आप। ले प्रियता के आधार पर बहुत सारे व्यवहार चलते हैं और वे व्यवहार बहुत समस्या भी पैदा करते हैं। कठोपनिषद में बहुत सुंदर कहा गया कि श्रेयस्ते प्रेयस्ते दो एतर, श्रेय और प्रेय संपरित्य विविनक्ति धीरे। जो धीर आदमी है वह दोनों का विवेक करता है, विवेचन करता है, और विवेक के बाद वह श्रेय का वर्णन करता है। और जो एक विवेकशील आदमी नहीं है, धीर नहीं है, वह आदमी योगक्षेम वृणीते, वह योगक्षेम की चिंता में रहता है। योगक्षेम का मुझे जो नहीं मिला वह पदार्थ मिलना चाहिए, योग और क्षेम जो मिला है वह सुरक्षित रहना चाहिए। पहली बात तो है कि मिलना चाहिए, दूसरी बात सुरक्षित रहना चाहिए, इस चिंता में, इस उधेड़ बुन में रहता है।
यह कठ उपनिषद का एक सुंदर प्रसंग है। स्त्री और प्रेय का एक विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है, और जब तक व्यक्ति इंद्रियों की चेतना में जीता है तब तक प्रेय के पीछे दौड़ता है। इंद्रिय चेतना, अच्छा शब्द भी उसको चाहिए, इंद्रिय चेतना में जीने वाले व्यक्ति को शब्द के पीछे भी दौड़ता है, रूप के पीछे भी दौड़ता है। एक लड़की जा रही थी, लड़का युवक मिला और बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या मुझसे प्रेम करोगी। लड़की बड़ी होशियार थी, बोली कि तुम मुझे क्या सुंदर कहते हो, सुंदर देखना हो तो मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है उसको देखो। उसको छोड़ दिया और उधर दौड़ा, रूप के पीछे दौड़ा, उधर दौड़ा, और आधा किलोमीटर गया और देखा तो वह तो बद्दी थी। तो बोला कि आगे तुम्हारी बहन जा रही है, कहाँ, तो तुम क्यों आए हो यहाँ। उसने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, अरे सुंदर देखनी हो तो वहां जाओ, मेरी छोटी बहन आगे जा रही है। तो फिर उधर दौड़ा, न वह मिली न वह मिली, बीच में दौड़ता रहा। तो आदमी शब्द के पीछे भी दौड़ता है, रूप के पीछे भी दौड़ता है, गंध के पीछे भी दौड़ता है। बहुत सारे ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं जो गंध के पीछे दौड़ते हैं, रस के पीछे दौड़ता है, भोजन के पीछे। हम लोग लाडनू में थे, पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे जैन विश्व भारती में। नेमीचंद जी पीतलिया जो मेवाड़ के या बेंगलोर के कहीं थे, और जिनको हम बारह मासिया कहते, बारह महीना आचार्यवर की सेवा में रहने वाले थे, दो व्यक्ति ऐसे थे, ताराचंद जी पुगलिया और नेमीचंद जी पीतलिया, जो बारह मासिया कहलाते। बारह महीना बस उनका घर वही आचार्यवर की उपासना में था। एक दिन गए, मेवाड़ गए, वापस आए। मैंने पूछा कि क्यों गए, दो दिन में वापस आगे गए क्यों, कह दो लड्डू खाने के लिए। वह तो संबंध की बात है, पर उनका उत्तर बड़ा अच्छा था कि और क्या, इतना श्रम किया और वहां जाकर कोई शादी में जाना था, दो लड्डू खाकर आ गए बस। तो आदमी रस के पीछे भी जाता है, संबंधों को निभाना था इसलिए गए, पर फिर भी दो लड्डू की बात तो सामने आ जाती है। और भी पता नहीं रस के पीछे आदमी कितना दौड़ता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, और भोजन के पीछे तो बहुत है। इसीलिए आज के अच्छे विचारकों ने लिखा है कि रसोई बनाती है व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण। रसोई से बहुत जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति कैसा बनेगा, बहुत निर्भर है रसोई पर, जीभ पर, स्वाद पर, बहुत कुछ निर्भर है, और वही स्पर्श की बात है। तो इंद्रियों की चेतना में जीने वाला, इंद्रिय जगत में जीने वाला व्यक्ति प्रेय का वर्ण करता है, प्रिय लगना चाहिए बस। इसके आगे क्या होता है परिणाम नहीं देखता कि प्रियता का परिणाम क्या होगा। आज की एक बड़ी जटिल समस्या है ये प्रेम विवाह की, थोड़ा सा संपर्क होता है और प्रेम विवाह कर लेते हैं। मैंने तो देखा, ऐसे तो पता नहीं दुनिया में बहुत होता है, पर हमारे आसपास में जितना देखा उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। एक बार भावावेश में कर लेते हैं, अपरिचित के साथ भी कर लेते हैं, न कोई पता न कोई ठिकाना, जानते नहीं है, कर लेते हैं, और आखिर में निर्वाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
ये इंद्रिय जगत का काम है प्रियता, और आदमी प्रियता के साथ व्यवहार करता है। एक रोगी है, पाचन तंत्र कमजोर है, उसे गरिष्ठ चीज नहीं खानी चाहिए, फिर भी खा लेता है। क्यों खाता है? कि इंद्रियों की प्रियता है, प्रियता का व्यवहार है, इसलिए खा लेता है। बाद में पछताता भी है कि अच्छा नहीं किया, बीमार हो गया, क्या करें। एक प्रसंग ऐसा बना कि एक वैद्य था और वैद्य के पास दो व्यक्ति बैठे थे। वैद्य ने एक व्यक्ति की नाड़ी देखी और कहा कि भाई तुम्हारी कोई खास बीमारी नहीं है, थोड़ा गरिष्ठ भोजन करो, अभी सर्दी का मौसम है, मेथी के लड्डू खाओ, गूंद के लड्डू खाओ, ऐसे गरिष्ठ भोजन करो, तुम ठीक हो जाओगे। अब दूसरे व्यक्ति की बारी आई, उसकी नाड़ी देखी, देखकर कहा कि तुम हल्का भोजन करो, गरिष्ठ चीजें मत खाओ, मिठाई मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ, यह मत खाओ, मलाई मत खाओ, मक्खन मत खाओ, रूखे फाफड़े और उबली हुई सब्जी खाओ। वह बोला, वैद्य जी आपके यहाँ भी पक्षपात है, इतना पक्षपात। पहले व्यक्ति को तो कहा कि लड्डू खाओ, ये चीजें खाओ, मुझे कहते हो कुछ भी मत खाओ, इतना बड़ा पक्षपात। वैद्य बोला, तो समझता नहीं है, वह दुर्बल है और दुर्बलता के कारण बीमारी हो रही, और कोई बीमारी नहीं है। पुष्ट भोजन करेगा, गरिष्ठ भोजन, तो ठीक हो जाएगा। तुमने इतना खा लिया पहले कि खाकर बीमार बने हो, तुम्हारे खाने की बीमारी है। इतना ज़्यादा खाया है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, नाड़ी भी बड़ी तेज हो गई है, और हार्ट पर भी असर आ रहा है, इस चर्बी भी बढ़ रही है, इसलिए तुम कम खाओ। अब वैद्य का निर्णय था हित के आधार पर, उस व्यक्ति का निर्णय था प्रियता के आधार पर, कि मुझे मनाई करें, पक्षपात कर रही है। ये प्रियता, श्रेय और प्रेय, प्रियता और हित, इन दोनों के आधार पर हमारे बहुत सारे निर्णय होते हैं। किंतु जो पुरुष है वह श्रेय को प्राथमिकता देता है, प्रेय को गौण करता है। धीर, धीर वह होता है कि जिसमें मनोबल होता है, जिसका मन नियंत्रण में होता है, इंद्रियां नियंत्रण में होती है, वह पुरुष धीर कहलाता है। मनोनियामिका शक्ति धृति, हमारे मन का नियमन करने वाली शक्ति है हमारी धृति, और जिसमें धृति होती है वह धीर पुरुष होता है। धीर आदमी वह विचलित नहीं होता, वह इंद्रियों के माध्यम से कोई गलत काम नहीं करता, धीर है। बहुत बड़ा होता है वह व्यक्ति जो धीर होता है। धीर का मतलब हो गया, तात्पर्य में यह अर्थ हो गया कि जो इंद्रिय चेतना से ऊपर उठ चुका और अतीन्द्रिय चेतना के जगत में प्रवेश कर चुका। दोनों का निर्णय अलग होता है, अलग अलग निर्णय। जब पुरोहित घरवार को छोड़कर दीक्षित हो रहा है, तब राजा ने सोचा कि पुरोहित, उसकी पत्नी, उसके दोनों पुत्र, पूरा परिवार दीक्षित हो रहा है, मुनि दीक्षा ले रहा है, पीछे कोई नहीं है, तो जहाँ परिवार में कोई नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है। राजा का सारा ध्यान प्रियता की ओर जा रहा था, क्या संपत्ति राज की होती है। आदेश दिया कि पुरोहित की सारी संपत्ति राज्य भंडार में, कोष में ले आओ और यहां स्थापित कर। संपत्ति आने लगी, संपत्ति आ रही है। महारानी गवाक्ष में बैठी थी अपने बातायन में, और महारानी ने देखा कि आज ये इतना धन कहां से आ रहा है। अपने अधिकारियों को बुलाया, बुलाकर पूछा, अरे क्या हो रहा है, इतना धन कहाँ से आ रहा है। तो बोला, महारानी जी
आपको पता है कि पुरोहित जी अपने दीक्षित हो रहे, मुनि दीक्षा ले रहे, पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है और उनके पीछे कोई है नहीं। दोनों पुत्र पति पत्नी चारों दीक्षा ले रहे, पीछे कोई नहीं है। तो जो पीछे नहीं होता वह संपत्ति राज्य की होती है, इसलिए महाराजा का आदेश है कि सारी संपत्ति ले आओ और खजाने में जमा कर दो। महारानी को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या, कि एक व्यक्ति तो त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है, और हमारे पति महाराजा वह उसको ले रहा है, ये तो कोई अच्छा नहीं है। महारानी गई तत्काल महाराजा के पास, इशुकार के पास, महारानी कमलावती वहां गई, जाकर बोली कि महाराज आज आप क्या कर रहे। बोले क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं क्या कर रही, ये क्या आ रहा है धन, कि ये तो पुरोहित का आ रहा है, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें क्या पता इसका, राज्य संचालन का पता नहीं है तुमको। हमारा एक कानून है, नियम है कि जहाँ पीछे कोई संतान न हो वह सारा धन राज्य का होता है, इसलिए मैंने धन मंगवा लिया। महारानी बोली महाराज थोड़ा चिंतन करो, कोरा कानून पर मत चलो, एक नैतिकता भी होती है, बंतासी पुरुषो रायंग नसो होई पसंसियो, ये तो आपका वमन किया हुआ धन है, आपने ही तो धन दिया था पुरोहित जी को, आपने दिया था, ये तो आपका दिया हुआ तो एक बमन हो गई, क्या बमन को खाना कभी अच्छा होता है। बंतासी पुरुषो रायम नसो होई पसंसियो, यह कोई प्रशंसा के योग्य बात नहीं है कि जिसको त्याग दिया उसको फिर से लेना अच्छी बात नहीं है। महाराजा को थोड़ा सोचना पड़ा, देखा कि आज कौन बोल रही है, कौन कह रहा है, एक ध्यान दिया। फिर महारानी बोली कभी कभी स्त्रियां बड़ी संबोध देने वाली होती है, आगम साहित्य में तो ऐसा मिलता, अनेक बार स्त्रियों ने अधीर व्यक्ति को धीर बना दिया, संबोध दे दिया। तो महारानी बोली कि आप क्या करेंगे, राजा बोला कि धन का क्या करेंगे, धन के बिना तो राज्य का संचालन कैसे होगा, राज्य को धन की जरूरत है, जब राजस्व कम आता है और खजाने में धन कम होता है तो राजा की शक्ति कम हो जाती है, वह पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, न अच्छी सेना रख सकता, न अच्छा निर्माण कर सकता और न प्रजा को सुख दे सकता, धन तो जरूरी है और आखिर धन ही तो काम आएगा। राजा ने ऐसी बात की जैसे मानो धन ही सब कुछ है, शरण देने वाला है, यद्यपि धन की अपनी उपयोगिता है पर सब कुछ नहीं है, और राजा ने तो ऐसा एक बात कह दी मानो धन ही सब कुछ है। महारानी तब एकदम बोली और ऐसी जैसे सैंघी गर्जना की कि महाराज आप भ्रम में हैं, आप सच्चाई को नहीं पकड़ रहे हैं, आप जानते हैं एक दिन सबको छोड़कर जाना है, कोई भी आदमी अमर नहीं है, अमर रहने वाला नहीं है, सबको मरना है, आज तो है तो उसके पास है, जिस दिन मरा पास में कुछ भी नहीं, न कोई साथ में ले जाता। महाराज धन सब कुछ नहीं है, त्राण देने वाला नहीं है, जो त्राण देने वाला है उसकी ओर आप ध्यान नहीं दे रहे, राजा धर्म की ओर कम ध्यान देता था, जो त्राण है शरण है उसकी ओर आप ध्यान दें। उस समय महारानी ने जो कहा ऐसा महत्वपूर्ण वाक्य है कि एको धम्मो नर देवतानम न विजये अन्नमिह किंचि, महाराज एक धर्म ही त्राण है शरण है और कोई दूसरा त्राण देने वाला शरण देने वाला नहीं है। जिस समय आदमी बिल्कुल अत्राण होता है, बीमारी के कारण अत्राण हो जाता है, बीमारी के कारण धन त्राण नहीं देता। हमारे पास बहुत लोगों का आता है कि अब ऐसी बीमारी हो गई कि दुखी है बन गया, दुख पा रहा है, छटपटा रहा है। एक महिला का जो बड़ी धनी महिला है उसका आया,
कि लड़का छटपटा रहा है, आप अब उसको कुछ बताएं। मैंने सुना है ऐसे बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास अरबों अरबों की संपत्ति थी, और जब मरण नज़दीक आया उस समय हालत यह हुई कि जो जिसके बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, ऐसी हालत हमने सुनी है और साक्षात देखने वालों के द्वारा सुनी है कि क्या हालत होती है। न धन बचा सकता, न परिवार वाला बचा सकता, न डॉक्टर बचा सकता, पीड़ा भोगने वाला भोगता है। उस समय ऐसी स्थिति में एक प्राण दे सकता है तो धर्म दे सकता है। उस व्यक्ति को धर्म की बात सुनाओ, अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराओ, उस व्यक्ति को सहिष्णुता का मार्ग दिखलाओ। कभी सहन करो, तुम्हारी सहन करने की शक्ति को बढ़ाओ, मनोबल को बढ़ाओ। ऐसा संबल मिलता है कि एक बार पीड़ा से कराहता हुआ व्यक्ति भी खुशी में आ जाता है, झूम उठता है। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की स्थिति को, अंतिम समय की स्थिति को, कि जब उनको कुछ दुख पा रहे थे, छटपटा रहे थे, रो रहे थे, और धर्म का एक दो संबोध मिला, वो सारा दुख गायब हो गया। अंतिम समय में जब होता है, बाले मच्छु मुहम पत्ते, आदमी पहले बहुत अहंकार करता है, पर जब मृत्यु के मुख में जाने की तैयारी होती है उस समय सारा चिंतन बदल जाता है। कुछ एक व्यक्तियों की, एक व्यक्ति की बात करूं जो आंखों देखा सच है कि इसी प्रकार के व्यक्ति थे जो धर्म में रुचि नहीं लेते थे, और जब अंतिम समय आया, सामने लगा, मौत का आभास होने लगा, तो गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दें। गुरुदेव पधारे और बातचीत की तो बोला, आचार्य वर, मैंने तो अपने जीवन में नहीं किया, अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ी भूल की है, अब जितना समय बचा है आप मेरा उद्धार कर दें। उन्होंने श्लोक भी कहा, श्लोक का अंतिम पद यह है कि एते भक्त तारे पर कौन एहसान कीनो, बिना भक्त तारो तो पे तार वो तिहारो है। आपने इतने भक्तों को तारा, कोई एहसान नहीं आपके भक्त थे, मैं तो आपका भक्त नहीं रहा, तो बिना भक्ति तारो तो पे तार वो तिहारो है। बिना भक्ति के आप मुझे तारो तो वास्तव में आप तारने वाले हो। तो आचार्य बने उनको संबोध दिया, कुछ सुनाया, और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि आप प्रतिदिन मेरे लिए साधुओं को अथवा साध्वियों को भेजें और मुझे धर्म का उपदेश दें। हम इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें कि जब और कोई भी त्राण नहीं देता, न कोई परिवार का आदमी देता, न कोई डॉक्टर देता, और कठिनाई को भोगता है, उस समय यह लगता है कि धर्म की बात सुनता है तो कष्ट भी गायब हो जाता है, कम हो जाता है। बीदासर के एक व्यक्ति मूलचंद जी डूगड़, अच्छे श्रावक थे, व्यवस्था कुशल व्यक्ति थे, कैंसर की बीमारी हो गई, बड़ा कष्ट था। गुरुदेव पधारे दर्शन देने के लिए बीदासर में, दर्शन किए और पूछा कि कैसे चल रहा है। बोले कि कष्ट तो होता है, पर मेरे पास कष्ट की दवा है, इलाज है। क्या? कि जब भी ज़्यादा वेदना होती है, आपके गीतों की कैसेट चालू कर देता हूँ, दो चार मिनट में वेदना गायब, पता ही नहीं कोई कष्ट है क्या। ये एक बहुत महत्व की बात है, और इसको मैं वैज्ञानिक स्तर पर भी कह सकता हूँ कि शरीर विज्ञान के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है कि जब ज़्यादा कष्ट होता है उस समय डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, मॉर्फिया का इंजेक्शन देते हैं, तो हमारे शरीर में भी एक वह रसायन पैदा होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन।
एंडोर्फिन नाम का एक रसायन पैदा होता है जो इंजेक्शन का काम है, वही काम इसका काम है कि जब कोई आदमी भक्ति में जाता है, वैराग्य की तीव्रता में जाता है, श्रद्धा की तीव्रता में जाता है और धर्म की बात को ऐसा करता है, उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक एक रसायन पैदा होता है तो पीड़ा गायब हो जाती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु।